गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अब तक इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मेट्स कर चुके हैं और अब उनके साथ साथ अब हमारी फॉर्मेट ना हमारा जो आज का जो लेक्चर है प्रीलिम्स में वो भी फॉर्मेट पर बेस्ड है और हम नौ फॉर्मेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, दो फॉर्मेट और है आपकी। फॉर्म नंबर 10 बेटा, इन सभी फॉर्मेट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और क्वेश्चनों में इन्हें यूज कराने की कोशिश करें। ओके, तो आज हम हमारे फॉर्मेट नंबर 10 पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट इस तरह से है, dx अपॉन a प्लस b साइन x dx अपॉन a प्लस b cos x dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c और थर्ड dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। इट मींस इसमें क्या हो रहा है कि sin और cos की सिंगल पावर है। ओके, sin और cos की सिंगल पावर है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पुट साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड कोस एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इन फॉर्मेट के क्वेश्चन भी आपको दिखें, साइन और कोस में सिंगल पावर होगी तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स टेन इन टर्म्स ऑफ टेन, पुट द वैल्यू ऑफ कोस एक्स इन टर्म्स ऑफ टेन, सॉल्व इन्हें सॉल्व करेंगे एंड पुट टेन एक्स वाई टू इक्वल टू टी। फिर आगे हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करा लिया जाता है। ओके, एक बार दोबारा फिर से देखें, साइन एक्स कोस एक्स, साइन और कोस दोनों, साइन कोस और साथ में कॉन्स्टेंट, पहचान क्या है, साइन और कोस का सिंगल पावर है और इन सभी को सॉल्व कराने के लिए साइन एक्स और कोस एक्स के हम टेन वाले फॉर्मूले यूज करें, हाफ एंगल फॉर्मूला एलसीएम लेके अरेंज करेंगे और आफ्टर अरेंजिंग देन पुट टेन एक्स बाय टू इक्वल टू टी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन डी एक्स थ्री प्लस फोर साइन एक्स, थ्री प्लस फोर साइन एक्स, क्या साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला पुट करा दें, थ्री फोर साइन एक्स का फॉर्मूला बोलिए, टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, खत्म। अगर यहां होता कोस एक्स तो कोस का फॉर्मूला लिख देते, साथ साथ दोनों होते दोनों के लिख देते। ओके, सॉल्विंग एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स बाय टू ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका मल्टीप्लाई थ्री से थ्री, थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस एट टेन एक्स बाय टू। ओके, एंड पुट टेन एक्स बाय टू इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा वन बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। तो इंटीग्रेशन टू तो बाहर आ जाएगा बेटा, डी टी इसकी जगह थ्री टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस। ओके, एक बार रिपीट, साइन और कोस में सिंगल पावर होंगे, जब साइन और कोस में सिंगल पावर है देन यूज द फॉर्मूला ऑफ टेन एक्स बाय टू, पुट द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स टेकिंग एलसीएम एंड पुट टेन एक्स बाय टू इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन
sec square and differentiation of x by 2, 1 by 2, then the value of sec square x by 2 equal to 2 t dt, and you put the values, so 2 dt, 2 out, 3 t square plus 8 t plus 3, and we're getting quadratic. For solving quadratic by using PSM, perfect square method. For solving PSM, coefficient of a square term always 1, then taking out 3 common, then integration. Two by 3 dt t square plus 8 by 3 plus 1, 2 by 3 dt t square replace t plus coefficient of t half, 8 by 3 divided by 2, 4 by 3 square minus 16 by 9 plus 1, 2 by 3 dt t plus 4 by 3 square minus LCM 9, so 16 minus 9, 7 minus 7 by 9, 2 by 3 dt t plus 4 by 3 square minus root 7 upon 3 square. Perfect? Okay, clear? Then ek baar samjhi. यहाँ साइन एक्स था, टेन का फॉर्मूला लिखा, एलसीएम लेके अरेंज करा और टेन एक्स बाई टू को टी पुट करके ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए पीएसएम को हमने यूज कराया। पीएसएम के लिए स्क्वायर का टर्म हमेशा वन होना चाहिए, तो इसमें से थ्री कॉमन ले लिया, और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर की जगह टी, कोफिशियंट ऑफ टी का हाफ माइनस इसका स्क्वायर, और इसको अरेंज करा तो ये बना। हमारे प्रत्येक कांस्टेंट पर स्क्वायर होता है, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया dx / x स्क्वायर - a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 / 2a log x - a / x + a, तो 2 / 3 1 / 2a log x - a / x plus a plus, or put the value of t, then solve it. तो इस तरह से इन चारों फॉर्मेट के क्वेश्चनों को हम सिंपलीफाई करते हैं, तो करना कुछ नहीं होता बेटा, साइन और कोस की जगह हमें टेन के फॉर्मूलों को यूज कराया जाता है। ओके, चाहे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हो, सिमिलरली इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से। और भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx / 3 + 2 cos x, इंटीग्रेशन dx / 2 sin x + 3 cos x, इंटीग्रेशन dx / 2 sin x - 3 cos x - 4। तो इस तरह से इन सभी फोर क्वेश्चनों को इस एक ही पैटर्न पे सॉल्व किया जाता। तो ये हमारी फॉर्मेट नंबर 10 थी। ओके, सिमिलर सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फॉर्म नंबर 11, इंटीग्रेशन dx / a + b sin स्क्वायर x, a + b cos स्क्वायर x, a sin x b cos x स्क्वायर, a sin square x b cos square x c sin x cos x। पिछली जो फॉर्मेट थी बेटा उसमें सिंगल पावर में थे, और इस फॉर्मेट में स्क्वायर में, sin square cos square इस पूरे पर होल स्क्वायर, यहाँ पे sin square
कोस स्क्वायर और यहाँ पर साइन और कोस मल्टीपल। तो इन चारों फॉर्मेट को करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो इन चारों को करने का तरीका होता है कि इस डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सॉल्व करें, सॉल्व एंड पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। तो वो सिंगल पावर था, जब सिंगल पावर होगा तो टेन के फॉर्मूले यूज करेंगे, जब स्क्वायर होंगे तब हम कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन डी एक्स 3 + 4, पिछले क्वेश्चन में साइन एक्स था, पिछले वाले में अब यहां कर दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स। करोगे कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दी डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन 3 + 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसका कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो इन सभी चारों फॉर्मेट के क्वेश्चनों के लिए यही अरेंजमेंट यूज कराया जाता है। बेटा इस कोस स्क्वायर एक्स को तो ऊपर पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स और ये अपॉन में जाएगा तो 3 sec² x 4 sin² अपॉन कोस स्क्वायर 10 square x। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 3 और इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 + sin² x + 4 tan² x। इस तरह से अरेंज किया जाता है, तो ऊपर वाला sec स्क्वायर बनेगा और नीचे डिनोमिनेटर 10 में बन जाएगा पूरा कंप्लीट। और पुट टेन एक्स इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन स्टेप की जगह तो डी टी 3 t² 4 t² इंटीग्रेशन डी टी 7 t² + 3। इसमें से 7 को हम ले लीजिए, t² 3/7। और बेटा हमारे फॉर्मूले में कॉन्स्टेंट पर स्क्वायर आता है, तो इसे हम क्या लिख दें, √3/7² और ये आपका फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan inverse x/a + c, इससे कट जाएगा 1/√21 tan inverse √7/3 tan x + c। बच्चों इस तरह से इस फॉर्मेट के क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो जब सिंगल पावर में हो तो टेन के फॉर्मूले यूज करेंगे और स्क्वायर में हो तो इस तरह से कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो एक इंटीग्रेशन डी एक्स 3 sin x + 4 cos x² अगेन वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दी डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन डी एक्स 3 sin x 4 cos x² इंटू कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। इसको ऊपर भेज दें, sec स्क्वायर एक्स वन के ऊपर चला जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर को बाहर छोड़ के जाएगा। बेटा ध्यान रखना, तो ये cos x जाएगा तो 3 sin x + cos x / cos x² ऐसे जाएगा। तो sec स्क्वायर x dx 3 sin x / cos x tan x
और फोर कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और इस पूरे को टी पुट करा दें, पुट थ्री टेन एक्स प्लस फोर इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, इस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ये 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, और पुट द वैल्यू ऑफ टी 3 tan x प्लस 4 प्लस, इस तरह से इन फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज जो हमने दोनों फॉर्मेट पढ़ी वो भी आगे काम आती है। ओके, देखिए।